ये एक ईमेल है भाइयों और बहनों, युवाओं, जो एयरबस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि डिफेंस, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, उनकी उनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक एमओयू साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, मतलब राफेल डील। कपल ऑफ क्वेश्चंस अराइज। नंबर वन, हाउ इज मिस्टर अनिल अंबानी मीटिंग द फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर जस्ट प्रायर टू द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट? सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरेन सेक्रेटरी इज सेइंग इन टर्म्स ऑफ राफेल, माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट देर आर डिस्कशन अंडर वे बिटवीन द फ्रेंच कंपनी आर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द एचएल विच इज इन्वॉल्व इन दिस दीज आर ऑन गोइंग डिस्कशन। दीज आर वेरी टेक्निकल डिटेल्ड डिस्कशन। वी डू नॉट मिक्स अप लीडरशिप इवन इन द सिक्योरिटी फील्ड। अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है, मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। और इसमें एक नई चीज निकलती है, यह डिफेंस का मामला है और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को यह चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। दिस इटसेल्फ इज क्रिमिनल, दिस इटसेल्फ विल पुट द प्राइम मिनिस्टर इन जेल। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सच्चाई राफेल की सामने देश के आस्ते 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 आ रही है और मैंने कह दिया है देर इज गोइंग टू बी नो डाउट, नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ए करप्ट मैन एंड उन्होंने अनिल अंबानी की मदद की। मतलब इससे इससे और क्लियर क्या हो सकता है भाई? अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि मैं डिफेंस, मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है। वेल नाउ अर्लियर देर वॉज वन एक्सिस ऑफ करप्शन, सेकेंड एक्सिस ऑफ प्रोसीजरल इनकंसिस्टेंसीज, प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, नाउ देयर इज अ थर्ड वन एंड फ्रेंकली दिस इज द मोस्ट सीरियस। दिस इज लिटरली हैंडिंग ओवर ए डिफेंस सीक्रेट। दिस इज इट, दिस बिजनेस दैट एमओयू इज इन प्रेपरेशन, दिस इज अ डिफेंस सीक्रेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। He's, as I said, he's done what a spy does. He has given information, defense information, to a person who's not supposed to have it. Defense minister ko nahi malum, foreign secretary ko nahi malum, HAL ko nahi malum. Holland ji kehte hain ki bhaiya Anil Ambani ke baare mein Narendra Modi ne hume bola. Ye email usko sabit karta hai. Theek hai? CBI director ko aap 1:30 baje raat ko nikal dete ho. Supreme Court kehta hai usko wapis dalo. Phir aap usko nikal dete ho. तो मतलब आप कितना प्रूफ चाहिए आप लोगों को? और अभी भी आप खुश नहीं हैं तो अभी भी और प्रूफ निकलेगा।